आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल महाध्यान पर। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 2, जो कि जिसकी डेट है 18 सितंबर 2020, क्लास 6, सब्जेक्ट है सोशल साइंस ज्योग्राफी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि यहाँ पर मेंशन्ड है सन, हमारे 8 प्लैनेट्स, बहुत सारी सैटेलाइट्स और बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज जो कि एस्टेरॉइड्स कहलाती हैं और मेटेरॉइड्स, इस सब मिला के एक सोलर सिस्टम बनता है। सोलर सिस्टम को हम एक सोलर फैमिली भी कहते हैं, जो जिसका हेड जो होता है वो होता है सन। कौन होता है? सन। अब आपको ये पिक्चर दिख रही होगी जहां पर सन बना हुआ है। सन का मतलब आपको पता ही होगा, सूरज। एक सेकंड, मैं इसको रेज कर देता हूं। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। सन जो होता है वो बिल्कुल सेंटर में होता है सोलर सिस्टम के, और वो बहुत बड़ा होता है और गर्म गैसेस से बना होता है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी सैटेलाइट्स हैं, कुछ भी है सोलर सिस्टम के अंदर, जो सन होता है वही सोर्स होता है हीट का भी और लाइट का भी सोलर सिस्टम के लिए। अब हम अपने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अभी ऊपर बताया गया था कि हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, हमारे 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में। और सबसे पहले इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, दे आर, सन से कौन कितनी दूरी पे है उसके हिसाब से हमने अपने प्लैनेट्स के नाम लिखे हुए हैं। मतलब जैसे यहाँ पर आप देख सकते होंगे, ये यहाँ पर दिख रहा होगा, ये यहाँ पर सन है, सन के पास कौन सा है, फिर उससे उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, इस तरीके से नाम लिखे हुए हैं। तो सन के तुरंत बाद जो प्लैनेट, जो अपना प्लैनेट होता है उसका नाम है मरकरी, उसके बाद वीनस, उसके बाद हमारी अर्थ जहाँ हम रहते हैं, उसके बाद मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और फिर लास्ट में नेपट्यून। मरकरी जो होता है, मरकरी सबसे नियरेस्ट होता है। अभी मैंने जैसा आपको बताया कि सन यहाँ पर ये रहा, सन के सबसे पास जो है वो है मरकरी। मरकरी जो है वो सबसे नियरेस्ट होता है सन के, प्लैनेट जो होता है मरकरी प्लैनेट। उसके बाद एक हमारी अर्थ की तरह, बिल्कुल जैसी हमारी अर्थ है उसी तरीके से एक प्लैनेट है, उसका नाम है वीनस। वीनस जो है वो हमारे अर्थ का जुड़वा, बिल्कुल ऐसा लगता है अर्थ हो। इसका कारण क्या है? क्योंकि वो साइज और शेप में बिल्कुल अर्थ जैसा लगता है। आप सबको समझ में आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे क्वेश्चन आ गए हैं। पहला क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन, कौन सा प्लैनेट सन के सबसे पास है। अभी मैंने आपको बताया था कौन सा प्लैनेट है, मरकरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि पूरे सोलर सिस्टम के लिए हीट और लाइट का सोर्स क्या है, सन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑल द नेम ऑफ ऑल द 8 प्लैनेट्स, राइट द नेम ऑफ ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। हमें यहाँ पर सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स का नाम बताना है। तो हमारे प्लैनेट्स हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, Why is the Venus considered as Earth's twin? अभी हमने आपको बताया था, मैंने अभी आपको बताया था कि अर्थ के बिल्कुल एक बिल्कुल अर्थ जैसा लगता है देखने में और साइज में भी, इसलिए वीनस को अर्थ का ट्विन कहा जाता है, मतलब अर्थ जैसा, अर्थ का जुड़वा। तो इसका आंसर क्या होगा, वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन। वीनस को अर्थ का ट्विन इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी सिमिलर टू डेट ऑफ अर्थ, क्योंकि
वीनस का साइज और शेप अर्थ से बिल्कुल मिलता जुलता है। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में हमसे शेयर कर सकता है। थैंक यू। आप सभी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि न्यू वीडियोस का सब्सक्रिप्शन सब आप एक बार बेल आइकन दबा देंगे तो न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। थैंक यू।